हाय दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए बताऊंगा पिक्सल लैब के बारे में। जैसे कि फ़ोटो बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, तो मैं आज पिक्सल लैब के बारे में बताऊंगा। फ़ोटो बना करके दिखाऊंगा आपके लिए, कैसे नाम डालते हैं, कैसे रंग चेंज करते हैं, सभी दिखाऊंगा आपके लिए। आज बने रहिए वीडियो में। तो फोन की स्क्रीन पर हम आ चुके हैं दोस्तों। तो मैंने पिक्सल लैब ये वाला पहले से डाउनलोड करके रखा है। आप प्ले स्टोर में जाकर के पिक्सल लैब डाउनलोड कर सकते हैं। तो पिक्सल लैब के लिए ओपन करते हैं। तो पिक्सल लैब मैंने ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले इसे हटाएंगे और हम सेलेक्ट करेंगे इमेज साइज। तो हमारे लिए तो यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, तो हम यूट्यूब थंबनेल में जाएंगे। ओके। और हमारे लिए करना है रंग, तो हम रंग चेंज करते हैं। इसमें बहुत सारे रंग मिल जाते हैं आपके लिए, कोई सा भी रंग लगा सकते हैं जो आपके पसंद आए। इसमें भी आप देख सकते हैं बहुत सारे रंग हैं। तो मैं पीला ले लेता हूँ। तो मैंने पीला रंग ले लिया है। तो अब हमारे लिए सेलेक्ट करना है फोटो। तो इमेज जाते हैं इमेज में। तो मैंने एक इमेज सेलेक्ट करूंगा मैं, कोई सी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने मोबाइल की इमेज ले ली है। फिलहाल मैं मैंने मोबाइल की इमेज यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है, ये देख सकते हैं। तो अब मैं इसे करूँगा लॉक, ताकि ये लॉक करने के बाद इधर उधर हिलेगी नहीं ये। तो एक इमेज और देखते हैं हम। चलिए, मैं इस वाली इमेज के लिए सेलेक्ट करता हूँ। ये देख सकते हैं। तो ये वाली इमेज को भी हम लॉक कर लेते हैं। अब हमारे लिए टाइटल लिखना है, तो जाते हैं ये वाले ऑप्शन पर, टेक्स्ट पर प्लस पे मारते हैं। फिर ये पेंसिल वाला एडिट वाला आइकन आपको दिख रहा होगा, तो इसे हम मारते हैं। तो ये न्यू टेक्स्ट, तो इसे हम काट देंगे, कर चुका है। तो इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिख लेता हूँ, चलो राम 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 राम। तो मैं राम राम लिख लिया है, देख सकते हैं। मैं जहाँ
इसे सेलेक्ट करना चाहें वहां पर आप कर सकते हैं, जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं आप। कलर को यहाँ से चेंज करेंगे हम, ये देखो कलर चेंज हो रहा है यहाँ से। चलिए मैं लाल कलर ले लिया। अब इसमें हमारे लिए क्या करना, रोटेट भी कर सकते हैं आप, यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, ये देख सकते, देखो जैसे भी करना चाहो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ए बी वाले ऑप्शन पर जाएंगे हम, इसे अगर आपके लिए मोटा करना हो अक्षर तो यहाँ से हम मोटा भी कर सकते हैं, देखो मोटा हो गया। अब जाएंगे हम बी वाले पे, तो बी वाले पे थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे वैसे, देखो टेढ़ा हो गया है ये टेढ़ा। यहाँ से डंडा भी नीचे लगा सकते हैं, ये देखो यहाँ से हम इसे थोड़ा टेढ़ा झुका सकते हैं, किधर को भी ऊपर को या नीचे को देख सकते हैं आप, अपने हिसाब से इसे कर सकते हैं। अब इसमें हम रंग चेंज कर सकते हैं, यहाँ से जो भी आप रंग डालना चाहो वो डाल सकते हैं, काला पीला देखो ये देख सकते हैं। तो मैंने सफेद ले लिया, सफेद रंग ले लिया मैंने। अब यहाँ से आप यहाँ से कर सकते हैं आप इसको उधर उधर मतलब खींच सकते हैं, जितनी दूरी पर रखना चाहो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये ऊपर नीचे करने का है, ये देख सकते हैं, मैं ये नहीं करूँगा। यहाँ से हम इसे थोड़ा सा रंग कर सकते हैं इसमें, ये देख सकते हैं आप, जैसा भी अपने हिसाब से करना चाहो आप कर सकते हैं। तो मैंने ये रंग ले लिया है, इसमें भी यही काम है, जो आपको लिए पसंद आए वो कर सकते हैं। तो इससे ये दिखेगी परछाई, इसे 3D भी कर सकते हैं आप, ये देख सकते हैं ऐसा करके 3D, जिधर को आप घुमाना चाहो वो अपने हिसाब से घुमा सकते हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ से कर सकते हैं मोटा, मैं देखो यहाँ से खींच सकते हैं ऐसे हम, तो मैं ज्यादा मोटा नहीं करूंगा, ऐसे इतना ही मोटा करूंगा। यहाँ से कलर चेंज होगा इसका, यहाँ से हम इसमें भी कलर कर सकते हैं और इसमें डाल सकते हैं परछाई इसकी, ये देखो ये परछाई डाल सकते हैं इसमें इसकी। तो हमारा ये बनकर हो गया रेडी। आप जो और कुछ भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं इसमें, वहीं से जाकर के फोटो भी डाल सकते हैं। तो बस मैं यहाँ से इसे करूँगा सेव। तो मैंने सेव कर दिया, देखो सेव टू गैलरी, तो
तो गैलरी में मैं इसे सेव करूंगा, सेव। तो मेरा फोटो सेव हो चुका है, तो हम चल के देखते हैं कहाँ पर आया ये। तो हम जाते हैं गैलरी में, ये देख सकते हैं ये फोटो हमारा आ चुका है बन करके, देख सकते हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ ही गए होंगे। तो अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।